Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सिर्फ पांच दिन में मेरी एक स्टूडेंट का चैनल मोनिटाइज हो गया। 5 साल से धक्के खा रही थी। बाबा 5 साल थोड़े नहीं होते, 5 साल से क्या क्या उन्होंने गुजारा, क्या क्या तकलीफें गुजारी, किस किस जगहों पे उन्होंने फारी काटी, ठीक है, ये सब कुछ आपको खुद अपनी जुबान से बताएंगी। और क्या ऐसा जिंदगी में हो गया कि सिर्फ 5 दिन में उनका चैनल मोनिटाइज हो गया। 5 दिन में तो बेहद कमाल कर दिया। सबसे मेरी वो वाली तेजी से ग्रो करने वाली स्टूडेंट जिनके साथ आज मैं आपको मिलवाऊंगी। और इसी खुशी में ना आज मैंने मेकअप चेकअप कर लिया है, ठीक है, इसलिए कि जब बड़ी खुशी होती है ना, जब कोई स्टूडेंट ग्रो करती है, कामयाब होती है ना, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो इसलिए ना मैं आज सही जोश खरोश से आई हूँ, आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी, ठीक है। मेरी कौन सी स्टूडेंट है वो आपको खुद बताएंगी कि उनकी क्या लाइफ स्टोरी थी और किस तरह से उन्होंने ग्रो किया। अरे बाबा क्या हो गया उनके साथ कि 5 दिन में उनका चैनल जो है वो मोनिटाइज हो गया, ठीक है, सबसे कम वक्त में। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, ठीक ठाक है, खैरियत से सिदरा। अल्हम्दुलिल्लाह नायाब सिस्टर, कैसी हैं आप। मुझे बड़ा इंतजार था कि मैं आपका इंटरव्यू लूं, इसलिए कि 5 दिन में माशाल्लाह से आपका चैनल मोनिटाइज हुआ। हाँ जी माशाल्लाह 5 दिन में मोनेटाइज हुआ है, और मुझे खुद ही यकीन नहीं आ रहा कि 5 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। और ये सब आपका करिश्मा है, आपकी ही वजह से है, ये क्रेडिट आपको ही जाता है सिस्टर। करने वाली जात अल्लाह ताला की है। हम सिर्फ 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 आपको ना सही रास्ता दिखा सकते हैं। लोगों को ये बताएं कि कौन सी वाली वीडियो आपकी 5वीं वीडियो वायरल गई थी, 2 दिन में आपका कैसे क्राइटेरिया, यानी कि आपका चैनल कैसे मोनिटाइज हुए, सब बताएं। तो जी माशाल्लाह से मेरी जो 5वीं वीडियो थी पैंपर की थी, माशाल्लाह वो वायरल गई थी। और ये कह ले कि रातों रात करिश्मा हुआ था, और बस मुझे यकीन नहीं आ रहा था, यकीन जाने में। वैसे ही जैसे आपने बताई थी ना ट्रिक्स एंड टिप्स, जैसे आपने बताया था कि वीडियो डालती जाएं, इस तरीके से डालनी है, जैसे आप बताई थी वैसे वैसे मैं फॉलो किए जा रही थी। शुरू में जैसे व्यूज कम आ रहे थे, बस दिल छोटा होता जा रहा था, बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे आप बताती जा रही थी ना वैसे ही मैं फॉलो करती जा रही थी। यकीन जाने 5वीं वीडियो मेरी वायरल हो गई रातों रात, वो भी आपकी वजह से। मैं जितना भी आप बस कहते हैं ना अल्लाह ताला के बाद आपने ही। बहुत बहुत आपको मुबारक हो सिस्टर, बहुत बहुत मुबारक हो। 5 साल आपने कैसे धक्के खाए। अच्छा सिस्टर ये बताएं कि लोग कहते हैं ना कि वीडियो रोजाना डालते जाओ, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दो चैनल को, ठीक है, एक ना एक दिन ग्रो हो जाएंगे। आप तो माशाल्लाह से 5 साल से रोजाना वीडियो डालती थी, रोजाना काम करती थी, ऐसा क्यों नहीं हो रहा था आपके साथ, क्यों चैनल ग्रो नहीं हो रहा था, वजह क्या थी। वजह वही मैंने सिद्धा आपको यही बताई है कि 5 साल से बिना नागा वीडियो डालना कोई आसान नहीं होता। मैं डेली डाली थी, और मैं ये भी सुनती थी, देखती थी, जाहिर बातें मैं सर्च करती थी, यही मुझे सुनने को मिलता था। और जाहिर बातें 5 साल आसान नहीं होता चैनल को चलाना। वो कहते थे बस वीडियो डालते जाओ, अपलोड करते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बिना नागा डेली डालते जाओ, एक ना एक दिन वीडियो मतलब वीडियो वायरल हो जाएगी, चैनल उठ जाएगा, ग्रो कर जाएगा। लेकिन आप यकीन जाने ये बिल्कुल इसमें कोई भी सच नहीं है। और बस कहते हैं ना कि जब तक आप किसी से कोई आपको गाइड ना करे, सही तरीके से बताए ना, ट्रिक्स एंड टिप्स ना बताए, तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इसी तरह माशाल्लाह से आपने मुझे, मैंने बताया ना अपने व्यूअर्स को कि इंस्टा पे आपसे मेरा रابطہ हुआ, मैंने आपको A to Z अपनी पूरी स्टोरी सुनाई, सब कुछ बताया, फिर आपने मुझे गाइड किया, बकायदा आपने मेरा चैनल भी चेंज किया। मैं व्लॉगिंग करती थी, फिर आपने क्या कहा इस चैनल पे काम करो, और ये आपने ट्रिक्स एंड टिप्स करनी है, ये सब कुछ A to Z आपने बताया। मैंने वही अभी जी माशाल्लाह से जी माशाल्लाह से सिस्टर का जो पहले 3 चैनल थे, ठीक है, तीसरा ये है जो वायरल हुआ है। 2 चैनल जो इन्होंने बनाए थे उसमें से जो पहला वाला था कुकिंग का वो खराब हुआ, दूसरा जो था वो व्लॉगिंग का, सबके साथ उन्होंने व्लॉगिंग हर मशहूर यूट्यूबर के साथ इन्होंने वीडियो बनाई, सब कुछ किया, लेकिन 100 से ज्यादा इनकी किसी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन जो है मेरे पास जो चैनल जो इनका वायरल हुआ है ना, ठीक है, वो कहते हैं ना कि सिर्फ आप वीडियो फेंकते जाओ तो चैनल नहीं मोनिटाइज होता, नहीं, ना चैनल चलता है। तो ऐसी कौन सी चीजें थी जिस पे आपको कामयाबी मिली, वो चीजें मतलब वो ट्रिक्स बता दें लोगों को जिनकी वजह से आपने ग्रो किया, जो नहीं पता थी आपको। सीधा वही बात है ना कि बड़े बड़े यूट्यूबर के थंबनेल भी लगाए, उनके साथ वीडियो बनाई, फंक्शंस में गई आई, वो मेरे घर आते थे माशाल्लाह से, ईद त्योहारों पे, दावतों पे, कहते हैं ना उनके साथ वीडियो बनाओ, थंबनेल बनाओ तो वीडियो वायरल हो जाती है, चैनल उठ जाता है, हजारों में सब्सक्राइबर व्यूज आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता सीधा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने एक सामने खड़ी हूँ ना, मैंने कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ मेरे थंबनेल थे, आना जाना कुछ नहीं, और मेरे क्या
100 से ज्यादा व्यूज नहीं आते थे सिद्धा, 100 वो भी 3 दिन के बाद वो 100 कंप्लीट होते थे। कुछ भी ऐसा नहीं होता, कुछ अच्छा भी नहीं। आज जो अब सिस्टर आप जो हाँ जो व्यूज अब आपको मिल रहे हैं हजारों में, उसकी निस्बत आपको क्या फील होता है? वो 100 थे या मतलब अब इतना मुझे खुशी होती है, मैं आपको वही बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि बस सिद्धा मैं तो दिन रात आपके लिए दुआएं करती हूँ, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, भाई के लिए, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे। जैसे आपने मुझे गाइड किया, ट्रिक्स एंड टिप्स बताए, वही बात है ना, ट्रिक्स एंड टिप्स, SEO बताई उसकी, आपने थंबनेल का बताया तरीका कि कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे लोग उसे थंबनेल को क्लिक करते हैं, मतलब सारी गाइडलाइन दी, सारी A to Z। लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, हजारों रुपए लेते हैं, लेकिन 1 से 2 कॉल अटेंड नहीं करते, किसी सूरत नहीं। आप तीसरी कॉल करेंगे, किसी सूरत नहीं अटेंड करेंगे। वाहिद सिद्धरा है, सिद्धरा के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत दुआएं निकल रही हैं। वो इतनी दुआएं इसलिए भी निकल रही हैं कि मैंने ना इनसे जो पूछती गई वो यहां तक बताती गई और मुझे मतलब सिखाती गई। मेरी टीचर है माशाल्लाह, एज में तो कम है लेकिन वो मेरी टीचर है। मैं आपका जितना सिद्धरा शुक्रिया अदा करूं ना, मेरे जो 5 साल का नचोड़ था, थैंक यू सो मच, आपने 5 दिन में मुझे दे दिया। बस ये करने वाली जात अल्लाह ताला की है सिस्टर, आपने मेहनत की, ठीक है। आप दोनों मियां बीवी, आपने अपनी वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से आप मेहनत करते हैं थंबनेल के ऊपर, 2 घंटे तो आप लोग थंबनेल पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बात होती है, हर चीज सोच के करनी चाहिए, और चैनल को ना ग्रो करना आसान है, ना मुमकिन नहीं है, ये मैं बार बार कहूंगी। सिद्धा मैं ये भी बताऊं ना, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आप सामने जो टीचर हैं वही हमें मोनेटाइज करवाएंगे, वही हमारा वॉच टाइम कंप्लीट कराएंगे, वही हमारे 1000 सब्सक्राइब करेंगे, मतलब पीछे ऐसे नहीं होता। वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आपको SEO अच्छी करेंगे, बेहतर करेंगे, आपको A to Z मतलब एक गाइडलाइन देंगे, टिप्स एंड टिप्स बताएंगे। ये नहीं होता कि अब उन्होंने आपको सिखाना शुरू किया तो आपकी अपनी मेहनत होती है, अपनी कुछ सर्च आप करें, कुछ नहीं होता कि हाँ जी हम, ये नहीं होता कि हम हाथ पकड़ के आपको मोनेटाइजेशन तक लेके जाएंगे। जस्ट गाइड किया जाता है, अच्छी चीजें बताई जाती हैं चैनल के हवाले से, और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको बताई जाती हैं, उसके बाद मेहनत आपने करनी होती है। सिस्टर ने भी माशाल्लाह से मेहनत की, सिद्धा आपने मेरी मिस्टेक्स भी काफी निकाली थी, हालांकि मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया था, आपने कहा था कि भाई हैक्स पे चैनल बनाया, आपने मेरी कितनी मिस्टेक्स होती थी, मैं आपसे पूछती थी कि भाई मेरी मिस्टेक्स है, आपने बताया कि नहीं आप कि यहाँ है, यहाँ से ठीक करें, यहाँ से ठीक करें। माशाल्लाह से जैसे जैसे आप मुझे बताती गई मैं वैसे ही वैसे करती गई, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि चैनल मेरा मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा, मेरे वॉच टाइम क्यों कम्प्लीट नहीं हो रहे, मेरा ये नहीं, इस तरह मैंने आपको तंग नहीं किया। अच्छा जी सिस्टर ये बताएं कि आपको कोई टिकटॉक अकाउंट तो नहीं है ना, आपने तो सिर्फ यूट्यूब पे ही कामयाबी हासिल की, ये एक बात क्लियर कर दें। नहीं नहीं सिद्धरा, मेरा टिकटॉक पे कोई अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना फेसबुक पे, ना टिकटॉक पे, इंस्टा पे, कहीं भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे जो मैं कर रही हूँ वही है सिर्फ। अच्छा जी ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, कि लोग बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज है कि शायद टिकटॉक पे अकाउंट बनाने से या फेसबुक पे बनाने से ना हमारी ऑडियंस हमें आके यूट्यूब पे सपोर्ट करती है, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि यूट्यूब और टिकटॉक की आवाम आपको सपोर्ट करेगी यूट्यूब पे आके, बिल्कुल भी नहीं। कोई 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 प्लेटफॉर्म की आवाम जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके आपको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल तजर्बा है। मैंने माशाल्लाह से टिकटॉक का अकाउंट बनाया, यूट्यूब पे मेरे 70,000 सब्सक्राइबर फॉलोवर है, ठीक है, उस पे फेसबुक पे मेरे 60,000 है, ठीक है, तो लेकिन वो सब अपनी अपनी जगह पे मुझे वॉच करते हैं, वो जो टिकटॉक अकाउंट पे और वहां पे है ना सिस्टम ये है कि मेरी जो वीडियोस वायरल हुई थी ना, ये चीज मैं आज क्लियर कर दूं, वो मेरी वीडियोस माशाल्लाह से 4-5 वीडियोस इकट्ठी हर जगह पे वायरल हुई थी, मतलब यूट्यूब टिकटॉक और फेसबुक सब पे इकट्ठी वायरल हुई थी। ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑडियंस पहले जनरेट हुई और वो आके मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना वतुजु मंतशा वतुजिल्लु मंतशा, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है ना तो सारे रास्ते खोल देता है, आपको समझ में नहीं आती है कि आपके लिए कहां कहां से वसीले बनते हैं। तो मेरी हर वीडियो माशाल्लाह से 4-5 वीडियो इकट्ठी हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हुई थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल भी रैंक किया, मुझे भी इज्जत मिली अल्हम्दुलिल्लाह से, और दुनिया मुझे जानने लगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं पे अकाउंट बनाएंगे तो आपका चैनल वायरल होगा, यूट्यूब की अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, उसके बाद ही आपका चैनल ग्रो होगा। इन सिस्टर का भी कोई अकाउंट नहीं है, और भी मेरी स्टूडेंट्स थी जिनके चैनल ग्रो हुए, उनका कोई अकाउंट नहीं था कहीं पे भी, ठीक है, वो यूट्यूब पे खुद से अपनी मेहनत से कामयाब हुई है, ठीक है। आप लोग भी हो सकते हैं, 4,000 घंटे का वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चैनल चेकिंग करवाना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप लोगों की गलतियां आप लोगों को पता चल जाए, आप लोगों की मिस्टेक्स आप लोगों को पता चल जाए। और इनके चैनल का नाम है नायाब किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से, इनके चैनल पे जाएं, इनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत जल्दी ग्रो किया इन्होंने और मेरी बेहद बेहद आज मैं खुश हूं, ठीक है,
कि मेरी वो स्टूडेंट है कि जो जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही जल्दी माशाल्लाह धमाल डाल दी, ठीक है, धमाके मचा दिए 5 दिन में, ठीक है। तो मुझे खुद यकीन नहीं आता सिद्धरा, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, मेरी फैमिली को यकीन नहीं आ रहा, मेरे हस्बैंड को यकीन नहीं आ रहा था। कह रहे हैं हमने 5 साल मेहनत की, हमने चैनल अपने कुकिंग के, व्लॉगिंग के, ये कैसे करिश्मा बन गया, ये सब जो मेरे खुदा का, मेरे माँ बाप की दुआओं का और उसके बाद उसका जो क्रेडिट, जाहिर बात है फैमिली तो साथ देती देती है और अल्लाह मियाँ का मतलब होता है एक, जिसे कहते हैं ना कि बस हम पूरा अल्लाह मियाँ पे छोड़ देते हैं कि भाई आपने हमें कामयाब करना, हम इतनी अल्लाह देता है उसका फल ज़रूर देता है, लेकिन सब्र रखना चाहिए, थोड़ा तहम्मल रखना चाहिए। ये नहीं है कि 1 वीक आप वीडियो डालें और 2 वीक डाल दिया, नहीं हो रहा, नहीं होगा, ज़रूर होगा, लेकिन वो तहम्मल होना चाहिए, एक सब्र होना चाहिए। यूट्यूब में सबको सब्र रखना पड़ता है, एक सबर लेके चलना पड़ता है, सबर रखें, मेहनत हाँ। करें, हिम्मत रखें, हौसला नहीं हारें कि 4 दिन वीडियो बनाई है, 5वें दिन कहीं व्यूज नहीं आ रहे, छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। यूट्यूब हाँ पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, दिल लगा के मेहनत करोगे तो आगे निकलोगे, वरना तो फिर मायूसी आपको कहीं पे भी नहीं जाने देगी, ठीक है। मेरा सबको यही मशवरा है कि आप लोग चैनल चेक करवाएं ताकि आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स पता चल सके और आप लोगों को वो चीजें जिनका अंदाजा सिस्टर को भी नहीं था, ठीक है। 5 साल से इनको कुछ नहीं पता था, सेटिंग का नहीं पता था, एसईओ का नहीं पता था, थंबनेल की ट्रिक्स का नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन आज माशाल्लाह से सब कुछ पता चलने के बाद आपके सामने इनका चैनल, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो आप भी ग्रो होंगे, जो लोग नहीं करते मेहनत वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, ठीक है। चैनल चेक करवाना है ना किसी ने तो लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होता है इंस्टाग्राम का, ठीक है। और मेरे अगर लिंक पे क्लिक नहीं हो रहा ना तो सिद्रा काशिफ 55 लिखकर मेरी आईडी का नाम है, ठीक है, सिद्रा काशिफ 55, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है। कमेंट मैसेज कीजिए मुझे वहां पे, इंशाल्लाह मैं आपकी चैनल चेक करके आपको अच्छा सा गाइड कर दूंगी, ठीक है जी। सिस्टर अब इजाजत चाहते हैं इन लोगों से और आपके चैनल पे जरूर आप लोग इनके चैनल पे विजिट कीजिएगा, ठीक है। नायाब सिस्टर, नायाब किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से इनका चैनल है। दुआओं में याद रखिएगा आप लोग, सब मेहनत करते रहिए, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, दुआ करें कि कोई और धमाका हो जाए, ठीक है, कोई और मेरी अच्छी सी स्टूडेंट जल्द से कामयाब हो जाए, इंशाल्लाह आपको काम। सिद्रा आप है ना, सब जितने भी हैं देखने वाली, जितनी भी हमारी माए बहन है, सबके साथ अगर माशाल्लाह से आप जैसा टीचर हो ना तो वो ज़रूर ज़रूर कामयाब होंगे 100%। मेरी जब मैं कामयाब हो सकती हूँ 5 साल के बाद, तो ये सब भी हो सकती हैं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह हो सकती है। और देखिए जी, चार्जेस जो है ना वो जरूरी है, ठीक है, मैं मेहनत करती हूँ, मैं गाइड करती हूँ, मैं टाइम निकालती हूँ, चार्जेस मेरे जरूरी है, ठीक है। और ये वो चार्जेस होते हैं जो आपको आपको की जिंदगी में आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, ना कि 1 मिनट की कॉल ली, ठग बंद कर दी और आप लोग जो है ना फिर बीच में बैठे रहे, आपसे कनेक्टेड रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ, ठीक है। तो इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, फिर से हाजिर होंगी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।